ओम शांति। आज है 17 नवंबर 2022। आज है सत गुरुवार। आज की मुरली में बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। तुम्हें जितना बाबा कहने से सुख फील होता है, उतना भक्तों को भगवान व ईश्वर कहने से नहीं फील हो सकता। प्रश्न है, लोभ के वश लौकिक बच्चों की भावना क्या होती जो तुम्हारी नहीं हो सकती? उत्तर में बाबा बोले, लौकिक बच्चे जो लोभी होते, वह सोचते हैं कि कब बाप मरे तो प्रॉपर्टी के हम मालिक बने। तुम बच्चे बेहद के बाप के प्रति ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि बाप तो है ही अशरीरी। यहाँ तुमको अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा मिलता है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति, ओम शांति। जब दो बारी कहें तो एक बाबा कहते हैं, एक दादा कहते हैं। एक को आत्मा, दूसरे को परम आत्मा कहा जाता है, अर्थात परम धाम में निवास करने वाले हैं, इसलिए उनको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। अब आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? एक बाप और अनेक बच्चे हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो अंग्रेजी में भी कहते हैं, ओ गॉड फादर, तो पिता हुआ ना। सिर्फ परमात्मा व प्रभु ईश्वर आदि कहने से इतना मज़ा नहीं आता, बाप कहने से सुख मिलता है। पारलौकिक बाप है ही सुख देने वाला, तब तो भक्ति मार्ग में इतना याद करते हैं। गॉड फादर अर्थात वह हमारा पिता है, यह भी कहते हैं हम सब ब्रदर से, ब्रदरहुड कहते हैं। यह भारतवासी जब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता, दे अभिमान में चले जाते हैं। यह समझते नहीं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, हम सब का बाप एक है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो भाई भाई नहीं कहते, आत्मा ही समझकर भाई भाई कहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो और बाप तुमको पढ़ाते हैं। अब आत्मा कहती है, हमको बाप मिला है, बाप मिला, गोया सब कुछ मिला, बाप द्वारा वर्षा मिलता है। बच्चा पैदा हुआ और समझते हैं वारिस आया। बाबा कहने से ही बच्चे का वारिसपना सिद्ध हो जाता है। अक्सर करके बच्चियां माँ माँ कहती हैं, माँ तरफ जास्ती लव रहता है। बच्चा होगा तो बा बा कहता रहेगा, बच्चे का बाप की तरफ लव जाता है। माँ से वर्षा नहीं मिल सकता, बाप से वर्षा मिलता है। अब यहाँ तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, तुम हर एक बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप की श्रीमत है, हर एक अपने को बाप का बच्चा समझ और सबको बाप का परिचय देते रहें और सृष्टि चक्र का राज भी समझाएं। बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं, तुम स्वर्गवासी थे, फिर तुम नर्कवासी कैसे बने? 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया? यह है डिटेल की बातें। बाकी बाप ने पहचान तो दी है और बाप से जरूर सतयुग का वर्षा मिलेगा और बाप से ज़रूर सतयुग का वर्षा मिलेगा। अच्छा, किसको मिला हुआ है? ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं, इन्हों को बाप का वर्षा मिला था, फिर कहाँ गया? यह है चक्र की बात। तुमको अभी सतयुग का वर्षा मिलता है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म तो भोगने ही हैं। अब तुमको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार 84 का चक्र बुद्धि में है और यह भी निश्चय है कि हमारा अंतिम जन्म है। 84 जन्मों का चक्र लगाकर पूरा किया है। अब तुम जाएंगे तो तुम्हारे पीछे सब चले जाएंगे। तुम बच्चे तो बाप से अपना वर्षा पा चुके हो, राजयोग सीख चुके हो, तो तुम जानते हो हम फिर नई दुनिया में राज्य करने आएंगे। फिर यह सब इतने धर्म वहाँ होंगे नहीं, सब वापस चले जाएंगे। फिर पहले पहले हमको यानी डिटिज्म को आना है। हम शूद्र कुल के थे, अब ब्राह्मण कुल के बने हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल के बनेंगे। हम ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। हम ब्राह्मण कुल,
सूर्यवंशी कुल और चंद्रवंशी कुल के तीनों वर्षे एक ही बाप से ले रहे हैं। सत्युग त्रेता में कोई धर्म स्थापन करने आता ही नहीं है। भारत का एक ही धर्म रहता है, पीछे बाहर वाले इस्लामी बौद्ध आदि आते हैं। भारत बहुत प्राचीन देश है, पहले देवी देवता ही थे, अभी और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। कितनी भिन्न भिन्न भाषाएँ हैं, जैसे यूरोपियन हैं तो अमेरिका की भाषा अलग, फ्रांस की अलग, हैं तो सब क्रिश्चियन लोग। वैसे चीन की देखो एक ही बौद्ध धर्म के हैं, परंतु चीन की भाषा और जापान की भाषा और हैं तो सब बौद्ध, परंतु वृद्धि हो जाने से अलग अलग हो जाते हैं, आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं। भारत का दुश्मन कोई नहीं है, कितनी गर्व की बात है। यह तो दूसरे धर्म वाले आकर लड़ते हैं, आपस में फूट डाल भारत को भी लड़ा देते हैं। नहीं तो भारतवासियों की आपस में लड़ाई ऐसे कभी हुई नहीं, दूसरों ने लड़ाया लोभ के कारण, यह भी खेल है। भारतवासी यह भी भूल गए हैं कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमको बाबा ने राज्य दिया था आज से 5000 साल पहले। सत्युग में यह नॉलेज रहती नहीं कि यह राज्य हमने कैसे पाया। अभी तुम जानते हो हम यह राज्य कैसे पा रहे हैं, यह बाबा बैठकर समझाते हैं। यह भी बहुत सहज, परंतु मनुष्यों की बुद्धि को ऐसा ताला लगा हुआ है जो यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने और कब दिया। इन्हों के बच्चे कितने हुए कुछ नहीं जानते। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सत्युग की आयु कितनी है कह देते लाखों वर्ष, फिर लाखों वर्ष में गद्दियां कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई होगी, कितने महाराजा महारानी होंगे, लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाएं, लाखों वर्ष सत्युग के फिर त्रेता के लाखों वर्ष, कलयुग के भी अभी 40,000 वर्ष, और कह देते हैं इन बातों में किसकी बुद्धि नहीं चलती। इतनी लंबी आयु दे दी है, क्रिएटर डायरेक्टर समय आदि सब का मालूम होना चाहिए, परंतु किसको भी पता नहीं है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, गॉड गॉडस का राज्य था। कितना वर्ष चला, कैसे चला, यह कुछ भी जानते नहीं। अगर राधे कृष्ण सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस हैं तो उन्होंने भी कोई द्वारा पद पाया होगा। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो कब। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। स्कूल में पहले अल्फबे पढ़ाया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, तो अल्फबे की पढ़ाई और पिछाड़ी की पढ़ाई में कितना फर्क होगा। यहाँ भी ऐसे है, कितना पहले समझाते थे उससे सहज अभी समझाते हैं, उससे जास्ती आगे समझाएंगे। कोई नया आता है तो पहले उनसे फॉर्म भराया जाता है, फिर समझाते हैं परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, जरूर सबका बाप हुआ ना। इन बातों को समझने वाले ही समझते हैं। जब तक हड्डी निश्चय हो कि बेहद के बाप से वर्षा लेना है, बाप स्वर्ग रचते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे, यह उन्हों की बुद्धि में बैठेगा जिन्होंने कल्प पहले निश्चय किया होगा। तुम देखते हो कई बच्चे सवेरे उठ नहीं सकते, 10-15 वर्ष मेहनत करते आए हैं, तो भी समय पर उठ नहीं सकते। कम से कम 3-4 बजे उठो। भक्त लोग भी सवेरे उठकर ध्यान करते हैं, जाप करते हैं हनुमान का, शिव का, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। भल करके कोई के लक्षण अच्छे होते हैं, परंतु उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति
नहीं मिल सकती, उतरती कला होती है। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में राज्य करते थे वह भी दूसरे तीसरे जन्म में नीचे आते जाते हैं। आधा कल पूरा होगा तो वाम मार्ग में चले जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। कितने ढेर मंदिर बनते हैं, अभी भी कितने मंदिर हैं, कोई टूट भी गए हैं, वाम मार्ग में जाने के चित्र भी हैं, ड्रेस देवताओं की पड़ी है, वास्तव में ड्रेस उन्हों की अलग थी, पीछे बदलती आई है। कोई की पाग कैसी, कोई की कैसी, कोई का ताज कैसा, अलग अलग ताज पहनने का भी अलग अलग नमूना होता है। सूर्यवंशी राजाएं जो हैं उनकी पहरवाइस अपनी अपनी होती है। यह फलाने की पगड़ी है, बाबा ने साक्षात्कार भी किया है, द्वारिकाधीश की टेढ़ी पगड़ी थी। यह सब ड्रामा आदि से अंत तक जो कुछ हो रहा है, वह फिर भी ऐसा ही होगा। फिर वाम मार्ग में जाएंगे, सबका मतभेद हो जाएगा, रसम रिवाज अलग हो जाएगा, सूर्यवंशी अलग, चंद्रवंशियों का अलग। यह बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। तो बाबा कह रहे हैं सबकी रसम रिवाज अलग है, यह बना बनाया खेल है जो फिर रिपीट होना है। तुम जानते हो हम भी बेहद के बाप से फिर से गति सदगति को पाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बेहद का बाप राजयोग सिखला रहे हैं। यह दुनिया नहीं जानती कि राजयोग सिखाते हैं, तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो और तुम्हारा बाप से लव है। सबका एक जैसा तो हो नहीं सकता, अज्ञान में भी सबका एक जैसा लव नहीं होता। कोई लोभवश कहते हैं बाप मरे तो प्रॉपर्टी मिले, यहाँ शिव बाबा का शरीर तो है नहीं, बाबा तो अविनाशी है, यह शरीर लोन पर लिया है। तुम जानते हो हमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, बाबा तो पुनर्जन्म नहीं लेते, उस शरीर में प्रवेश कर आते हैं। नहीं तो क्या लक्ष्मी नारायण के तन में आए, वह तो है ही पावन दुनिया के मालिक, यह तो है ही पतित दुनिया, पतित शरीर, क्योंकि विष से पैदा होते हैं। बाबा कल्प पहले मुआफिक कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे ज़रूर अनुभवी रथ चाहिए। कोई अच्छे एक्टर होते हैं तो उनको अच्छा इनाम मिलता है, यह भी बाबा का रथ गाया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा को बूढ़ा भी दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप ही अलग है, ब्रह्मा का रूप बिल्कुल ठीक है, बाप ने ही इनका नाम रखा है। प्रजापिता ब्रह्मा इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुम भी कहेंगे हम सब ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तब पहले पहले बाप से मिले हैं, हमारी राजाई फिर से स्थापन हो रही है, समझाना भी पड़ता है। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान, तो भगवान जरूर बाप को समझना चाहिए, परंतु मनुष्यों की समझ में नहीं आता है कि सभी आत्माओं का बाप निराकार है, पिता है। तब तो भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं आत्माओं को सुख मिला था, तब दुख में याद करते हैं आत्माओं को सुख मिला था, तभी तो दुख में याद करते हैं। तुम भी आधा कल बाप को याद करते आए हो। शुरू शुरू में ही सोमनाथ का मंदिर बनता है तो जरूर बाप को ही याद करेंगे। जानते हैं यह बाप का मंदिर है, बाप ने ही वर्षा दिया है, तो पहले पहले मंदिर भी बाप का बना है, तुम अभी बाप के वारिस बने हो। तो परमपिता परमात्मा शिव पिता हम सभी बच्चों को कहते हैं कि तुम अभी बाप के वारिस बने हो। बाप विश्व का रचयिता है, उनसे ही वर्षा मिलता है, बाकी जो भी हैं उन्होंने क्या किया, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं, 84 जन्म वह लेते हैं, परंतु भक्ति भी व्यभिचारी होनी ही है।
आधा कल्प के लिए सामग्री चाहिए। सत्युग त्रेता में सामग्री की दरकार नहीं होती, यह सब बुद्धि में धारण करना है। वास्तव में कुछ भी लिखने की दरकार नहीं है, अगर सॉल्वेंट बुद्धि है तो झट धारणा हो जाती है। बाकी किसको सुनाने के लिए नोट्स लेते हैं, किताबें आदि रखने की जरूरत नहीं। हमारे किताब पिछाड़ी में कौन पढ़ेगा, बाकी किसको सुनाने लिए नोट्स लेते हैं। औरों के शास्त्र तो पिछाड़ी में चले आते हैं, पढ़ने वाले हैं, तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, प्रारब्ध मिल गई। आधा कल्प तो शास्त्र आदि की कोई बात नहीं, यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, यानी विलुप्त हो जाता है, शास्त्र सब खत्म हो जाते हैं। पहले सबको यह समझाओ कि तुमको दो बाप हैं, जिस्मानी बाप तो है, वह भी उस बाप को याद करते हैं। गाया जाता है दुख में स्मरण सब करे, यह भारत की बात है, बाप भी भारत में आते हैं। शिव जयंती आती है, तुम कहेंगे हम अपने बाप का फलाना जन्म मना रहे हैं। भल पूछें ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर बाप आया होगा। यह है शिव का ज्ञान यज्ञ, यह क्या है, शिव पिता का ज्ञान यज्ञ है। तो ब्राह्मण जरूर चाहिए, ब्रह्मा कहाँ से आया, ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, फिर बच्चे पैदा होते हैं तो फिर इनके मुख कमल से रचते हैं। मुख को क्या कहा बाबा ने, ब्रह्मा मुख को कमल बताया। पहले सबको बाप का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करने की आदत पक्की डालनी है। कम से कम 3-4 बजे जरूर उठना है। बेहद बाप से सच्चा लव रखना है। श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। वरदान है कंपेनियन के साथ द्वारा सदा मनोरंजन का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूपधारी भव विस्तार में बाबा बोले, जब भी अकेलेपन का अनुभव हो तो उस समय बिंदु रूप को याद नहीं करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। उस समय अपने रमणीक अनुभवों की कहानी को स्मृति में लाओ, अपने स्वमान की प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। सिर्फ दिमाग से याद नहीं करो, लेकिन दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो। यही मन मनाभव है। क्या कहा, दिल से कंपेनियन के साथ कंबाइंड बन सर्व संबंधों के स्नेह का रस अनुभव करो, यही मन मनाभव है। और यह मन मनाभव होना ही मनोरंजन है। स्लोगन है, बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो। बाप की श्रीमत प्रमाण जी हाजिर करते रहो तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। अगर हम श्रीमत प्रमाण जी हजूर या जी हाजिर करेंगे तो सर्व शक्तियों का अधिकार मिल जाएगा। ओम शांति।